हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो मैं हिंदी में ही करने वाला हूँ क्योंकि कभी कभी सब्सक्राइबर्स को, इनफैक्ट कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला भी था कि कभी कभी वीडियो हिंदी में भी बनाया कर। इस वीडियो के बारे में मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मेरे पहले SSB एक्सपीरियंस का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें स्क्रीन इन होने के बाद क्या क्या हुआ मैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इससे पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लिंक ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने पहले स्टेज तक की बात करी थी। कुछ डिटेल्स जो कि मैं पहली वीडियो में बताना भूल गया था, 9 अगस्त 2021 को जो मेरी पहली SSB की डेट थी, 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी में, वहाँ पे करीब करीब 170 बच्चों ने रिपोर्टिंग 170 बच्चों की रिपोर्टिंग हुई थी, जिसमें से 70 बच्चों को उन्होंने स्टेज 2 के लिए रिकमेंड कर दिया था। मतलब 70 बच्चे जो हैं वो स्क्रीन इन हो गए थे। उन 70 बच्चों में फॉर्चुनेटली एक बच्चा मैं भी था, एक कैंडिडेट। मेरे अलावा मेरा एक दोस्त ध्रुव, जो कि अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में एक फोर्थ टर्म का कैडेट हो गया है, जो अभी टर्म ब्रेक पर भी होगा। और तो इस वीडियो के बारे में शुरू करते हैं। स्क्रीन इन होने के बाद हमें हमारी डॉर्मेट्री दी गई। डॉर्मेट्री यानी वहाँ पे रहने की फैसिलिटी रहती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि नेक्स्ट 5 डे प्रोसीजर के लिए वहाँ पे रिटेन कर लिए जाते हैं। अब इस स्क्रीन इन होने के बाद ये इतनी अच्छी फीलिंग थी कि मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मुझे लगा था कि काफ़ी मुश्किल होगा पहला स्टेज निकालना ही, लेकिन निकल गया। अब क्या हुआ कि हमें नया चेस्ट नंबर दिया गया। स्टेज 1 में मेरा चेस्ट नंबर 33 था, उसके बाद मेरा न्यू चेस्ट नंबर जो है वो मुझे 17 दिया गया और ग्रुप्स में बांट दिया गया। करीब करीब 8-8 बच्चों का ग्रुप था, ऐसे करके 9 ग्रुप बने हुए। हमारा ग्रुप फ्रेशर्स का था, यानी फ्रेशर्स यानी वो बच्चे, वो कैंडिडेट्स जो कि पहली बार SSB देने आए। तो मेरा चेस्ट नंबर 17 था और मेरे से लेकर लास्ट चेस्ट नंबर 24 तक का एक बैच बना था, एक ग्रुप बना था। पहला दिन हमारा ऐसा ही था और उसके बाद हमें फिर हमें हमारा बेड्स दिए गए। बेड्स देने के बाद हमें 2 घंटे सोने को मिला और उसके बाद हमें वापस बुला लिया गया नेक्स्ट टेस्ट प्रोसीजर्स के लिए, जो कि होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर सिविलियंस भी हैं। तो बेसिकली एक कैंडिडेट का पोटेंशियल जज करने के लिए वो साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह कराते हैं, अ सीरीज ऑफ टेस्ट जिसमें काफ़ी कुछ होता है। अगर संक्षेप में बताऊँ तो उसमें होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी टैट, 12 पिक्चर दिखाई जाती है जिस पे स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद होता है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्क्रीन पे एक वर्ड दिखाया जाता है, ऐसे करके 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, बहुत ही मतलब 15 15 सेकंड पे एक एक वर्ड आता जाता है और हमें एक सेंटेंस लिखना होता है उसमें। उसके बाद होता है हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एक सिचुएशन दे दी जाती है और हमारा कैंडिडेट का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। और उसके बाद था सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, हमें अपने बारे में लिखना होता है, 5 पैराग्राफ दिए होते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे टीचर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, टीचर प्रोफेसर या कलीग वर्क एक्सपीरियंस या यूँ कह लो कि जो बॉस होता है अगर एक कोई एम्प्लॉय है उसके लिए। उसके अलावा हमारी हमारा हमारा अपने बारे में क्या सोचना है और हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजी टेस्ट में होती हैं, जो कि बहुत ही हाई प्रेशर टेस्ट होता है। ये करीब 2 ढाई घंटे चला होगा। हमें 6 बजे बुलाया था टेस्टिंग हॉल में, 6 से 8:30 9 बज गए तब जा करके हम छूटे। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा साइकोलॉजी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, बहुत स्लो लिखने की आदत थी तब मुझे, और 60 SRT में मैं केवल 32 SRT कर पाया, जो कि ऐसे देखा जाए तो एक कंसिडरेबल अमाउंट है कहने के लिए अगर कोई अच्छी क्वालिटी SRT लिख रहा है तो। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे रिस्पॉन्सेज और अच्छे हो सकते थे, तो
तो वो मेरे मुझे लगा कि मेरी शॉर्टकमिंग ये है, मेरी गलती यहाँ हुई है। और रही बात 12 स्टोरी की, तो 12 की 12 स्टोरी तो मैंने लिख ली, बट अगेन मुझे लगा कि शायद जो मेरे रिस्पॉन्सेस थे यानी जो एक्शंस, मैं उसमें और अच्छा कर सकता था। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कुछ ना कुछ गलती रही होगी। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में मेरा एक पैराग्राफ रह गया लास्ट वाला, वहाँ पे जिसमें लिखना होता है कि हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, वो मेरा पूरा पैराग्राफ रह गया। क्यों? क्योंकि मैं लिखने में काफ़ी धीरे लिखता था। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ गलतियाँ होती हैं जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, नए कैंडिडेट्स, फ्रेशर्स, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मुझे लगता है ये गलतियाँ उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। हाई प्रेशर टेस्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट, उसमें जितना जल्दी लिख सकें और जितना सटीक ढंग से लिख सकें वो मायने रखता है। ये टेस्ट ख़त्म हुआ और फिर हम वापस अपने अपने डॉर्मेट्री चले गए, और मुझे जो रूम दिया गया था उसका नाम था जैगुआर। वहाँ पे वाराणसी में, या इनफैक्ट कहीं भी किसी भी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जो रूम के नाम होते हैं वो एयरक्राफ्ट के नाम पे होते हैं, तो हमें जो रूम दिया गया था उसका नाम था जैगुआर। अब क्योंकि पहला दूसरा दिन था और हम जो 8 कैंडिडेट थे, 17 चेस्ट नंबर से लेकर के 24 चेस्ट नंबर तक, बट नेचुरल है किसी को जानते नहीं थे, लेकिन विद इन टाइम हम एक दूसरे को जान रहे थे धीरे धीरे। अगले दिन हमारा GTO टेस्ट यानी ग्राउंड टेस्ट स्केड्यूल था, और इसमें भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 जहाँ तक मुझे याद है, फॉल इन करवाया गया हमें बास्केटबॉल कोर्ट में, 4FSB वाराणसी के, और हम सब ने फॉल इन किया और हमें फिर एक न्यू हॉल में लेके गया जाया गया, जहाँ पर हमें ग्रुप डिस्कशन करना था। अब ग्रुप डिस्कशन कई तरह के होते हैं, यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ग्रुप डिस्कशन के 2 टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक होता है जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो हमें देता है, और दूसरा टेस्ट होता है, दूसरा ग्रुप डिस्कशन में हमें टॉपिक चूज करना होता है, 2 टॉपिक में से एक टॉपिक हमें उठा लेना होता है जो ग्रुप कंसेंसस पे बेस्ड होता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस को थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प ही रखने वाला हूँ। अब ग्रुप डिस्कशन हुआ, काफ़ी अच्छा ग्रुप डिस्कशन रहा मेरा, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि मैं बोलने में अच्छा रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल लाइफ में भी काफ़ी बार स्टेज पर जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मैंने स्टेज प्रोग्राम और स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, तो यहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन में भी मैंने एक तरह से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे, और मेरे जो बाकी कैंडिडेट्स थे मेरे साथ 17 से लेकर 24 चेस्ट नंबर तक, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद हमें GPE बोलते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वो किया गया। अब उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें एक बड़ा सा मॉडल दिखाया जाता है, वो बेसिकली एक मिलिट्री मॉडल टाइप का होता है जिसमें कई सारी वो होती हैं, सिचुएशंस हो रही होती हैं। हम मतलब मान के चलो कि 8 से 10 लोगों का ग्रुप होता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं, और बीच रास्ते में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमें सॉल्व करनी होती है, उसे हमें एक पेपर पर लिखना होता है कि हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, प्रायोरिटीज़, प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटीज़, देन रिसोर्सेज अवेलेबल, सॉल्यूशंस विद टाइम एंड डिस्टेंस प्लान, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी जाती हैं GPE लिखते वक्त। हमारा GPE हुआ, और जब हमारा GPE ख़त्म हुआ तो GPE को ख़त्म होने के बाद एक डिस्कशन शुरू होता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमें सेमी सर्कल में बैठाया गया और ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ। ग्रुप डिस्कशन चला होगा मेरे हिसाब से 5 से 10 मिनट। उसके बाद फिर ग्रुप में से कोई भी एक, डज नॉट मैटर वो जो भी हो, ग्रुप सेलेक्ट करता है जो कि कॉमन सोल्यूशन उस स्टिक को लेकर के उस पर्टिकुलर मॉडल पे दिखाता है। हमारे केस में चेस्ट नंबर 24, अगेन उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो भी एक अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी का 4th टर्म कैडेट हो गया है, वो भी उसने हमारे केस में ग्रुप नरेशन को एक्सप्लेन किया, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया। वैसे कुछ लोग नाराज़ थे उससे, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई कभी कभार कि लोगों को लगता है कि ये उनका सल्यूशन था नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। ये ख़त्म होने के बाद हुआ हमारा PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स दिए रहते हैं जो कि ज़मीन पे गड़े होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स, और उस ऑब्स्टेकल में हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन ऑब्स्टेकल्स को पार करना होता है।
अब ये मैं कहूँगा प्योर फिजिक्स है, इसमें उन रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन कैसे करके उन ऑब्स्टिकल्स को पार करना है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, ये मायने रखता है। और उस वक्त रेबैन चश्मा पहने, काला चश्मा पहने, जो हमारा ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है, वो हमें तिरछी नज़रों से देख रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो क्या रहा है, लेकिन हम अपने आप में इन्वॉल्व रहते हैं और हम अपना टास्क कर रहे होते हैं। यहाँ मैं मानता हूँ कि मेरी कुछ गलती रही थी ग्रुप टेस्ट वगैरह में, यानी ऑब्स्टिकल जो हमें पार करना होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या हाफ ग्रुप टास्क में, उसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कम था, मुझे आइडियाज़ कम आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि कुछ हद तक मैं आइडियाज़ दे पा रहा था, बट वो शायद सफिशियंट नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है चेस नंबर 24, जिसका नाम है अभय पाठक, जिसका वीडियो अभी कुछ टाइम बाद मैं ला लेके आऊँगा, उसका एक मेरे साथ कन्वर्सेशन होने वाला है, मैं उसी की बात कर रहा था। उसके बाद मेरी उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। अभय ने काफ़ी हद तक, जिस तरह से मैंने अभय को ऑब्जर्व किया था, उसने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए थे पीजीटी में, जहाँ तक मुझे याद है, अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया। और साथ ही साथ मेरे साथ एक और एक लड़का था देहरादून का रहने वाला, उसका नाम था राघव कुकरेजा, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया और जो कि स्क्रीनिंग के टाइम पे भी मेरे साथ था। और ये वही लड़का था जिसने कॉमन स्टोरी दी थी पीपीडीटी के तुरंत बाद, डिस्कशन के बाद। तो राघव और अभय मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे वहाँ 5 दिन के दौरान। मतलब दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि हम साथ साथ 5 दिन रहते थे और सब कुछ साथ ही करते थे, चाहे वो खाना हो गया, बातें करनी हो गई, डिनर या लंच करना हो गया, तो भी हम साथ ही जाते थे। बहुत हद तक हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। और मेरे साथ बाकी जो लोग थे उनके साथ भी मेरी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो वो 5 दिन बहुत सुनहरे थे मैं कहूँगा। इनफैक्ट उसके बाद फिर पीजीटी हुआ, एचजीटी हुआ, और उसके बाद हमें डे ऑफ दे दिया गया, बाकी टास्क कल होने थे और हम फ्री हो गए थे। अब था हम फ्री, अब क्योंकि जब हम फ्री हो गए थे तो हमें एक्सप्लोर करना था। तो हम वैसे उस टाइम क्योंकि कोविड चल रहा था तो अलाउड था नहीं बाहर जाना, हमें AFSB यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के प्रेमिसेस के अंदर ही जो करना था वो करना था। तो मैं कहूँगा कि जो वाराणसी बोर्ड है वो काफ़ी सुंदर है मेरे हिसाब से, अंदर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ है, पूल का टेबल है यानी बिलियर्ड्स, एक इनबिल्ट जिम है, इन्होंने वॉलीबॉल के लिए वो बना रखा है, कोर्ट बना रखा है, साइड में एक गार्डन सा है छोटा सा, जहाँ पे एक बेंच, दो तीन बेंचेस लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ बैठ करके। खास करके जिस टाइम पे मैं गया था वहाँ वाराणसी का मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, हमारे जीटीओ टेस्ट के दौरान भी बारिश हो गई थी अगले दिन। तो जब उस दिन हमें फ्री मिला तो हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। हम एंटे रूम में गए, एंटे रूम बोलते हैं जहाँ पर ये इंडोर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ रहती है और सेल्यूलर फोन्स रहते हैं। एक्चुअली 5 दिन वहाँ SSB में फ़ोन नहीं दिया जाता, वो फ़ोन हमारे डिपॉजिट कर लेते हैं फर्स्ट डे स्क्रीन इन होने के बाद। तो क्या होता है कि आप फ़ोन तो रख नहीं सकते, लेकिन छोटे छोटे फ़ोन होते हैं, वो नोकिया 3310 कह लो या सैमसंग के छोटे छोटे फ़ोन होते हैं जो उनके पास रहते हैं अवेलेबल, जो कि हम बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में यूज़ कर सकते हैं उनको फ़ोन करने के लिए, अपने मम्मी पापा को कुछ डिटेल्स बताने के लिए, इस तरह से, जो कि 2-3 मिनट दिया जाता है हमें बात करने के लिए। और वो हमें रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती कि हमने कितनी देर से कितनी देर बात किया और हमारा चेस नंबर और नाम क्या है, ताकि एट द एंड ऑफ द 5th डे हमें वो बता दे कि आपके इतने पैसे हुए हैं। ये कुछ छोटी डिटेल्स हैं जो कि पहली बार जो SSB जा रहे हैं मैं चाहता हूँ उनको पता हो। इसके बाद हमने कैरम खेला, हमने टेबल टेनिस खेला, टेबल टेनिस की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पर, तो काफ़ी मज़ा आया टेबल टेनिस खेलने में। और रात में हमने एक दूसरे को जानने का हमें मौका मिला बहुत हद तक। मतलब मेरे लिए तो कहूँगा कि वो 5 दिन इतने अच्छे थे कि मैं आज तक भूल ही नहीं पाया। अभी 2-2.5 साल हो गए मेरी पहली SSB को, लेकिन अभी तक वो दिन मुझे याद है। काफ़ी अच्छे कैंडिडेट थे मेरे साथ जो भी थे, 17 से लेकर 24 तक, मैं हो गया, अभय हो गया, राघव हो गया, और भी काफ़ी लोग थे, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आज भी याद है। काफ़ी मज़ा आया था उन लोगों के साथ, हमने रात रात भर बातें करी थी, 1:30-2:00-3 बजे तक हम बात ही करते रहते हैं। इवन दो हमें पता था कि कल टेस्टिंग प्रोसीजर है अभी बाकी, फिर भी हम बात कर रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद बहुत हद तक हमने एक दूसरे को जाना। और नेक्स्ट डे आया,
अब नेक्स्ट डे कुछ और प्रोसीजर बाकी थे और उस दिन बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हमारे कमांड टास्क और हाफ ग्रुप टास्क, ये सारी चीज़ें अभी बाकी थी। ये सारी चीज़ें फॉर्चुनेटली हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। बारिश होने की वजह से हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कैंसिल कर दिया गया। और उस वक्त एयरफोर्स में ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस यानी GOR नहीं हो रहा था। मेरे हिसाब से शायद अभी भी नहीं होता है, क्योंकि ये रोक दिया गया था उस वक्त, कोविड के प्रोटोकॉल्स अप्लाइड थे इसलिए भी। तो हमारा GOR नहीं हुआ, ना हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हुआ। उनको उनके मार्क्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे PGT, SGT, GPE, GD वगैरह में। उसके बाद हमारा हमें बुलाया गया कमांड टास्क करने के लिए। कमांड टास्क शुरू हुआ, एक एक करके सबको कमांड टास्क करने के लिए बुलाया गया। अब कमांड टास्क में क्या होता है, हमें कमांडर बनाया जाता है और हमें एज ए कमांडर दो सबऑर्डिनेट्स को बुलाना होता है जो कि हमारे टास्क करने में हमारी मदद करते हैं। इन टास्क को करने के लिए कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स वहीं ज़मीन पे गड़े रहते हैं, उन रिसोर्सेज की मदद से हमें ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने होते हैं। एक एक करके सबको बुलाया गया। रैंडम ऑर्डर में जो हमारा ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है वो हमें बुलाता है, हमसे थोड़ी देर बात करता है, उसके बाद हमें टास्क एक्सप्लेन करता है और उसके बाद हम टास्क को कैसे अप्रोच करेंगे, बेसिकली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम वो चीज़ GTO ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब यहाँ पर काफ़ी हद तक जो OLQs हैं यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो बाहर निकल के आती हैं। एक एक करके सबके टास्क हुए। मुझे याद है जब अभय का टास्क आया यानी चेस नंबर 24 का, तो मैं एक्चुअली उसे पाठक बोलता था क्योंकि उसका नाम अभय पाठक था और मुझे पाठक बोलने की आदत थी। तो जब पाठक का टास्क आया तो पाठक ने एज सबऑर्डिनेट मुझे और राघव को बुलाया था। हम गए और मैं पाठक को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, इवन दो आई वॉज दी सबऑर्डिनेट, बट आई वॉज ऑब्जर्विंग पाठक्स कमांड टास्क वेरी क्लोजली एंड हाउ ही वॉज यूटिलाइजिंग अस इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क। मैंने देखा कि पाठक का अप्रोच बहुत अच्छा था, उसने जिस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया वहाँ पे और एग्जीक्यूट किया अपना प्लान, वो काबिले तारीफ था। और मुझे उस वक्त तक मैं खुद ही एज ए सबॉर्डिनेट उसे इतना इम्प्रेस हो गया था कि मुझे तो पक्का पता था कि GTO तो उसे रिकमेंड कर ही देगा। अच्छा, एक बात ये कि फाइनल डे रिकमेंड होने के लिए हमें GTO, साइकोलॉजिस्ट और हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पास करना ज़रूरी होता है। तो मुझे इतना पता चल गया था कि जिस हिसाब से पाठक पे कमांडर एज अ कमांडर उसने टास्क को अकम्प्लिश किया है, काबिले तारीफ है। और इससे ज़्यादा कहूँ तो GTO ने भी उस पर प्रेशर बनाने की बहुत हद तक कोशिश करी थी, लेकिन पाठक ने किसी तरह टास्क कंप्लीट कर लिया अपना दिमाग लगा के, जो कि मेरे लिए काफ़ी इंप्रेसिव था। मैंने उसको बाद में बताया भी। और इस तरह से करके हमारे GTO टास्क के तुरंत बाद हमारा इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल था। मुझे याद है वाइट शॉर्ट्स और उसमें हम जब गए थे उस दिन हमारी ग्रुप बैच की फ़ोटो भी हुई थी जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी और शायद थंबनेल में भी मैंने लगा रखा है। वो हमारी बैच की फ़ोटो थी, 147th कोर्स NDA। सारे टास्क ख़त्म होने के बाद तुरंत हमने फॉर्मल्स में चेंज किया, हमने टाई वगैरह पहनी और मुझे टाई बांधने आती नहीं थी तो मैंने पाठक से बंधवाया था, मुझे अभी तक याद है, उसने मुझे टाई बांध के दी थी। और हम प्रॉपर एकदम फॉर्मल्स में हम तैयार थे और टाइम था इंटरव्यू का। हम इंटरव्यू हॉल्स के बाहर बैठे हुए थे और थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस थी, बट इवन देन हम गए और एक एक करके सबको बुलाना शुरू किया। अगेन यहाँ पे भी मैं लास्ट में, मुझे लास्ट में बुलाया इंटरव्यू के लिए। और जब मैं इंटरव्यू हॉल के अंदर गया, मैंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ग्रीट किया, फिर ऐसे करके मेरा इंटरव्यू करीब करीब चला होगा 45 मिनट। उसने बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे, कभी मैं उस पर एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस थे, बिकॉज ये पर्टिकुलर वीडियो लंबा हो जाएगा। इंटरव्यू इंटरव्यू के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हद तक डिफरेंट डिफरेंट उसके थे कि मैं एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे फ्लाइंग में इंटरेस्ट है तो मैं कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहता हूँ, और NDA कहाँ पर है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे वो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पे है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पे है,
इस तरह के क्वेश्चंस भी उन्होंने मुझसे पूछा था। और उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी पूछे थे, जैसे मेरे फियर्स क्या हैं, मतलब बेसिकली ही आज मी व्हाट इज माय फियर्स। देन आई टोल्ड हिम दैट सर लूजिंग माय लव्ड वंस इज व्हाट आई कॉल माय फॉरमोस्ट फियर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो मुझे थोड़ी सी वो लगी थी, और मैं मान के चलता था कि शायद मेरा मेरा अगर मैं कहूँ मेरे फियर क्या है तो वो यही है जो उस वक्त मुझे लगा मैंने उन्हें बताया था। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं वहाँ पे। मेरा इंटरव्यू 45 मिनट चला और लास्ट में मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, मैं वापस आया और हमारा फिर जो चौथा डे था वो हमारा पूरा फ्री था। तीसरे दिन की रात में हमने बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा, मतलब हमने हमारे बगल वाला जो रूम था मिराज 2000, उसमें हमने मस्ती मस्ती में रात के 2 बजे 2:30 बजे उनके रूम में हम तीन चार लड़के गए और हमने हल्ला गुल्ला किया, वो डर के मारे जग गए, उनको लगा क्या हो गया, और हमने ऐसे फनी वे में कहा कि ये एयर रेड हुई है, जैगवार वालों ने किया है। तो मतलब हम बहुत मस्ती कर रहे थे बेसिकली। और रात में 2:30-3 बजे जब एक्चुअली मेरा बेड जो था 17, यानी मैं 17 चेस्ट नंबर, मेरा बेड था एक साइड और पाठक का बेड था एक्सट्रीम एंड पे दूसरी साइड 17 से लेके 24 तक। तो क्या था कि रात में 18 से 23 तक के सारे लौंडे सो गए, अब मैं और पाठक जगे थे, और मेरे और पाठक के बीच ही कंपैटिबिलिटी अच्छी थी। और मैं क्या था, मैं डायरी लिखा करता था, मेरी डायरी लिखने की आदत थी, मैं बेसिकली ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन कर रहा था कि मैंने अभी आज अभी तक अच्छा क्या किया और गलतियाँ क्या क्या की। रात में पाठक ने मुझे देखा, वो बेड से उठ के मेरे बेड पे आ गया और हम दोनों ऐसे बैठे, हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते पाठक ने धीरे धीरे अपने बारे में थोड़ा और डिटेल में मुझे बताना शुरू किया, और मैं उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि ये लड़का तो डिज़र्व करता है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड पाठक न्यू एवरी डैम थिंग अबाउट एयरक्राफ्ट। आई मीन हिज नॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हिज कैपेबिलिटी ऑफ यू नो नोइंग अबाउट देम वॉज एट पार, एक्सीलेंट आई वुड से। इतना मुझे भी नहीं पता था, इवन दो आई एम एन एयरफोर्स ब्रैट एंड आई फेल्ट लाइक इसको इतना नॉलेज कैसे है। तो मतलब आई वॉज इंस्पायर्ड बाई हिम एज वेल, और कहीं ना कहीं उसने इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स बताई एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बहुत हद तक प्रभावित था इस चीज़ से। मेरी और उसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी, हम बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। चौथा दिन आया, चौथा दिन पूरा फ्री था, हमने पूरे दिन वॉलीबॉल वगैरह खेला, बिलियर्ड्स खेला हमने, हमने टेबल टेनिस खेला, मैं पर्सनली टेबल टेनिस प्रेफर कर रहा था तो हमने टेबल टेनिस खेला, बहुत मस्ती करी हमने उस दिन, बढ़िया से खाना वाना खाया, एक दूसरे को और जाना, और क्योंकि वो आखिरी दिन होने वाला था, आखिरी रात होने वाली थी हमारी SSB में एक साथ, तो हमने काफ़ी हद तक मज़े किए, बहुत हद तक बातें करी। बातें तो इतनी थी कि तो क्योंकि 2-2.5 साल हो गए तो मैं थोड़ा बहुत भूल भी रहा हूँ, बट काफ़ी हद तक मज़ा आया था, एक दूसरे को जाना था। उसमें से एक लड़का था जो थोड़ा ओबीस था, गुजरात का रहने वाला था। मुझे याद है कि जब PGT टास्क हो रहा था हमारा तो हमें फट्टे पे चल के जाना था, और जो फट्टा यानी बेसिकली जो प्लैंक होता है वो मतलब इतना शिवर कर रहा था कि वो लड़का ओबीस होने के चक्कर में वो पलट पलट के 4 बार गिरा होगा, और हम पीछे से हंसी अपनी छुपा रहे थे क्योंकि अगर हंस देते तो शायद GTO देख लेता और हमारी खटिया खड़ी कर देता, इसलिए हम कुछ हद तक छुपा रहे थे अपनी हंसी को, बट स्टिल मतलब काफ़ी मज़ा आया, हमने एक दूसरे से काफ़ी हद तक बातें की। और वो 5 दिन में बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है, जो लड़के शायद अगर अभी कभी एज अ फ्रेशर SSB जाएंगे, मतलब काफ़ी हद तक मज़ा आता है, तुम्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, सारे डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं, तुम ज्वेल कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ ब्रैट्स भी होते हैं जैसे मैं था, मेरे साथ एक दो लड़के और भी थे जिनके पापा एयरफोर्स में या तो सर्विंग थे या रिटायर्ड थे, कुछ आर्मी वाले होते हैं, कुछ नेवी वालों के बच्चे भी होते हैं, काफ़ी अच्छा और मैं कहूँगा रिच एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पहला इंटरव्यू था एज अ फ्रेशर, मैं गया था, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, काफ़ी गहरी दोस्ती हुई। पाँचवा दिन आया, पाँचवा दिन बेसिकली कॉन्फ्रेंस का होता है, कॉन्फ्रेंस में हमें सुबह सुबह लगेज लेकर के हमें तैयार रहने को कहा गया था,
हम तैयार थे और 7 6 6:30 7 बजे के करीब फॉल इन हुई और हमें टेस्टिंग हॉल में ले जाया गया। हमें वो बहुत बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पे बैठा दिया गया सारे कैंडिडेट्स को। 70 के 70 कैंडिडेट वहाँ पे बैठे हुए हैं और एक एक करके कॉन्फ्रेंस बैठी। कॉन्फ्रेंस में बेसिकली जितने ऑफिसर्स होते हैं वो सारे उस दिन यूनिफॉर्म में होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड आता है, डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, सीनियर GTO, सारे लोग वहाँ पे बैठे होते हैं एक सेमी सर्कल पैटर्न में। और एक एक करके सारे कैंडिडेट्स का फाइनल असेसमेंट दिया जाता है कि कौन रिकमेंड हुआ और कौन नहीं हुआ। एक एक करके सारे कैंडिडेट्स को अंदर हॉल में बुलाया गया। नर्वसनेस मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी कहीं ना कहीं हम तैयार थे। मेरी कॉन्फ्रेंस ज़्यादा देर नहीं चली, बहुत कम देर चली होगी, 30 या 45 सेकंड, और उतना कह करके उनसे थोड़ी बहुत बात हुई। मैं अंदर आया, मैंने ग्रीट किया उन्हें, उन्होंने मुझे बैठने को बोला और उन्होंने बेसिकली मुझसे यही पूछा कि हाउ वॉज माई स्टे एंड डिड आई लाइक द फूड और नॉट हियर इन वाराणसी एंड वेयर हैव आई कम फ्रॉम एंड व्हाट्स द करेंट सिनेरियो इन दिल्ली। इतनी बातें हुई होंगी, फिर उन्होंने थैंक यू बोल दिया मुझे एंड दे बेसिकली द प्रेसिडेंट सॉरी द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड टोल्ड मी दैट नाउ आई कैन लीव। सो आई लेफ्ट द रूम एंड स्ट्रेट अवे मैं गया मेस में, हमने एक साथ खाना खाया, फिर हमें लाइन बना के फॉल इन कराया गया और वापस हमें उसी हॉल में बुलाया गया जहाँ पर अब GTO या हमारा जो ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर था वो रिजल्ट लेके आया और एक एक करके उन्होंने चेस्ट नंबर्स कॉल आउट करना शुरू किया। अब ये एक ऐसी मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ मतलब दिल धड़क रहा होता है और हमें पता नहीं होता कि कौन रिकमेंड होगा कौन नहीं होगा। कुछ लोग रिकमेंड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, मायूसी काफ़ी होती है। उस दिन एक एक करके उन्होंने चेस्ट नंबर्स कॉल आउट करना शुरू किया। चेस्ट नंबर 5 10 ऐसे करके उन्होंने कॉल आउट करना शुरू किया। मेरा चेस्ट नंबर स्किप हो गया, फिर चेस्ट नंबर 24 बोला, अभय रिकमेंड हो गया पाठक। और मुझे काफ़ी हद तक बहुत खुशी भी थी उसके लिए, दुख भी था अपने लिए, लेकिन बहुत हद तक मैं उसके लिए खुश था क्योंकि वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट था, वो मुझे दिख रहा था। उसके बाद फिर ध्रुव जो मेरा दोस्त वो भी रिकमेंड हो गया और ऐसे करके पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो गया। उस दिन 70 में 10 लड़के रिकमेंड हुए जो कि काफ़ी अच्छा फिगर था उस वक्त वाराणसी के लिए। अभी तो वाराणसी में बहुत रिकॉर्ड वहाँ का थोड़ा ख़राब चल रहा है जैसा कि मैंने सुना है। अब ये तो डिपेंड करता है कि कैसे कैंडिडेट्स आते हैं। मैं रिकमेंड नहीं हुआ, मेरे लिए थोड़ा शौक था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि मेरी गलती क्या थी। बहुत कुछ सीखने को मिला था, 5 दिन बहुत अच्छे से बीते थे। मैंने इस तरह की चीज़ें और इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पहला प्रोसीजर पार करके 5 दिन रह भी पाऊंगा कि नहीं। काफ़ी हद तक एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर हमें वापस प्रेमिसेस से बाहर छोड़ दिया गया और हम धीरे धीरे मैं रेलवे स्टेशन पे गया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लड़के या अब तो खैर लड़कियों के लिए भी हो गया जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। जो भी लड़के ड्रीम कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि एक बार पहचाने कि वो एयरफोर्स आर्मी या नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। शायद मेरे लिए पहले अटेम्प्ट में ये चीज़ मैं मान के चल रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हूँ इस चीज़ को लेकर के। 6th क्लास से मेरा एक सपना था एयरफोर्स एज अ फाइटर पायलट ज्वाइन करने का, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेच्योरिटी मेरे आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। बहुत हद तक उस चीज़ की कमी थी, इसकी वजह से शायद मैं रिकमेंड नहीं हुआ। और भी बाकी टेस्टिंग प्रोसीजर में भी मेरी कुछ गलतियाँ रही थी। इवन दो बहुत जगह मैंने अच्छा भी परफॉर्म किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस अगर रहता है तो मुझ मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन से कोई रोकता है नहीं। मैंने अभय को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था, उसने बहुत ही एक बैलेंस परफॉर्म किया था हर जगह। इंटरव्यू भी उसका काफ़ी अच्छा था, एयरक्राफ्ट की बहुत प्रोफाउंड नॉलेज थी उसे, GTO टास्क उसके अच्छे हुए थे, साइकोलॉजी टेस्ट उसने अच्छा किया था, रिस्पॉन्सेज उसके अच्छे थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत हद तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है।
और जिस तरह का नेचर है इस नेशनल डिफेंस एकेडमी या CDS या डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम का, उसमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरत है। एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में देखा था NDA की, कि वहाँ पे उनको ज़रूरत है स्कॉलर वॉरियर की, यानी तुम स्कॉलर भी हो और एक वॉरियर भी हो, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। बहुत हद तक सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पहला SSB शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ, वो 5 दिन, वो दोस्ती, वो यारी, वो सारे टेस्ट, वो सारे चैलेंजेस, रिकमेंड ना होने का दुख, दोस्त के रिकमेंड होने का एक जो खुशी हुई मुझे, वो बहुत हद तक मैंने सीखा इस चीज़ से, और मुझे बहुत हद तक इस चीज़ ने मुझे मैच्योर भी बनाया। ये था मेरा पहला SSB एक्सपीरियंस। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं या जो भी एस्पिरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आया तो मैं तो कहूँगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कंटेंट मैं लाते रहता हूँ अपने चैनल पे। मैं लेक्चरेट वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी लिंक डाल दूँगा। और बस मैं यही कहूँगा कि खुश रहना चाहिए चाहे जो भी हो, एंड देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड चांस। इवन दो हाउ मेनी टाइम्स यू फेल डज नॉट मैटर, बट वॉट मैटर्स इज ईच टाइम यू नो स्टैंड अप टू इट एंड अल्टीमेटली विन। सो आई बिलीव दैट दैट इज़ वॉट ऑल मैटर्स इन दी एंड। सो आई वुड से आई एम ऑल्सो इन द रेस, एंड प्रोबेबली एनी अदर हार्ड कोर रिपीटर हु इज़ वॉचिंग माई चैनल, आई वुड से इट्स जस्ट अनदर डे, एंड वी विल ऑल्सो हैव आर डे, एक दिन आएगा। एंड होप तो जारी रखनी चाहिए, अभी भी मुझे आशा है, और बहुत हद तक सीखने को मिलता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज़िंदगी को लेकर के आउटलुक काफ़ी बदला एक बार जब मैं SSB जाना मैंने शुरू किया। इवन तो मैं रिकमेंड नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक सीखने को मिला। पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस देखे, लाइफ को लेकर के जो अप्रोच है वो बदला, और बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप हुआ। फेलियर्स काफ़ी हद तक देखे हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला है इन चीज़ों से। और वो 5 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, इवन दो उसके बाद भी मैं काफ़ी SSB देने गया, नए दोस्त बनाए, अच्छा एक्सपीरियंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैंने अभय के साथ कॉन्वर्सेशन किया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वो भी पसंद आएगा और आप वो भी देखेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।